आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। हर रोज की तरह आपके साथ फिर हाजिर हूँ 14 अगस्त 2019। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। देखिए, अभिजीत मुहूर्त कल कोई नहीं रहेगा और राहु काल रहेगा 12:26 से लेकर 2:04 तक। मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छे विचारों के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ आर्थिक दिक्कतें आपको रह सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ बेहतर हैं। आपको एक रोमांटिक पार्टनर की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पार्टनर है। कहीं ना कहीं जो बनावटी प्यार है, बनावटी सोच है, उससे आप बचना चाहते हैं, जो कि कहूँगा कि अच्छी बात है। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप एक तरीके से अपनी नई तलाश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कमिटेड हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उन समस्याओं को आसानी के साथ आप कल अगर चाहें तो आप हल कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं हाल फिलहाल में, तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आपकी एकाग्रता बनी रह सकती है, दिन आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। वृषभ राशि का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो कल दूसरों को आकर्षित करता हुआ दिखाई देगा। आपको सफलता मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा आप लोकप्रिय होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, आप काम के पीछे बड़े पागल हो रहे हैं कल। देखिए, ठीक है, आप करिए काम, काम करने कोई मना नहीं है, लेकिन अपनी सेहत भी तो देखो यार। सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उतना ही करें जितनी आपकी क्षमता है, एक्स्ट्रा काम करने से कोई लाभ आपको होगा नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप समर्पित हैं नौकरी की तरफ, कार्य की तरफ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा दरकिनार करके चल रहे हैं, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए कोशिश में लगा रहना चाहिए, नहीं तो जो है थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अपने अपने लोगों के करीब जितना आएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा कल के दिन। मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको अध्यात्म की तरफ जुड़ने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आप जो मुश्किलों में इस समय फंसे हुए हैं, चाहे वो वित्तीय हैं चाहे वो पर्सनल हैं, उसका रास्ता आपको वहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा। आज अतिरिक्त प्रयास करते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं इससे आपकी स्थितियाँ बेहतर होंगी। ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी तालमेल बैठा पाएंगे जो आपकी ही तरह से सोचते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए दिन कल यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई मुझे देता है। दिन कुल मिलाकर आपके पक्ष में तो रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान अपनी स्वास्थ्य की तरफ भी देने का पड़ेगा। कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी आपके साथ चलेगी और आप वास्तविकता के साथ, यानी कि प्रैक्टिकल नेचर के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको सही दिशा क्या है आपकी। आपके पास कई सारी दिशाओं के ऑप्शन हैं, आपको किसी एक दिशा को यहाँ पर चूज़ करना है और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आपको यहाँ पर जो डिसीजन है वो आपको लेना है। प्यार के संबंध हैं, लेकिन उस तरह से आप महसूस नहीं कर पा रहे जिस तरह से आपको करने चाहिए। आप जिस तरह के व्यक्ति हैं उसमें कुछ हो सकता है, कुछ लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश भी करें, और आपको विनम्र बने रहना है और अपने वित्तीय मामलों को संभाल कर चलाना है। आपको चाहिए कि कोई भी आपको बाहर का व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस ना करे, और आपकी जो अपने सेट कार्यक्रम हैं आप उनके अनुसार ही कल अपने चलते रहें। सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज का नया दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से नए रिसोर्सेज लेकर आएगा और आप अपने जीवन में कुछ नया करते हुए दिखाई देंगे। आपको भारी लोगों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको अपने भोजन में काफ़ी परिवर्तन आने की ज़रूरत है। खूब फल सब्जियां खाने और प्रोटीन को शामिल करने की आपको ज़रूरत रहेगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें आप अपने संबंधों को सुधार की तरफ लेकर जाएंगे और अपने संबंधों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हुए दिखाई देंगे। जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं उनके लिए दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा, और जो व्यवसाय अपना करते हैं उनके लिए दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत, बड़ी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती। कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सारे मुद्दे आप सुलझाते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं आपको समय मिलेगा जिसमें आप अपने पेंडिंग काम्स को भी निपटाते हुए कल दिखाई देंगे। कुछ योजनाएं आप ऐसी करेंगे जिससे थोड़ी बहुत परेशानियां आपको शुरुआत में होंगी, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें रहेंगी। देखिए, अलगाव ना बढ़े, कोई विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज आप जो सुंदरता है उसके प्रति सम्मोहित होते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं
पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पलों का एहसास आपको होता हुआ दिखाई देगा। आप कई दोस्तों से सलाह मांगते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि आपको सलाह मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हैं अपने डिसीजन लेने में। आपको कहीं से आपका खोया हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आपकी जो वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप उनको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो पैसा था कहीं फंसा हुआ है अगर, तो कल अच्छे मिलने के योग मुझे दिखाई वहाँ पर देते हैं। तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बिना किसी कारण से अगर आप जिद्दी बने हुए हैं तो आपको खुद की सुननी चाहिए और आपको इस बात को समझना चाहिए कि इस रवैये से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वर्तमान समस्याएं ऐसी हैं कि आपको अपना दिल और दिमाग खुलकर चलाना होगा। आज अनुभव करना होगा कि आप शारीरिक रूप और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें। किसी को नीचा ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा। अपनी कोशिशों को समय के अनुसार चलाएं, इन्वायरमेंट के अनुसार चलाएं। ज़्यादा किसी के पचड़ों में ना पड़ें, किसी के विवाद में अपने आप को इंक्लूड ना करें। कोई ऐसी जिम्मेदारी ना लें जिसको आप निभा नहीं सकते। नौकरी से अच्छी आपको खबर मिल सकती है। आपकी वेतन वृद्धि, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। और अगर आप कहीं पर ट्रांसफर जा रहे थे तो उसकी बात आपके हक में कल मुझे जाती हुई दिखाई देती है। वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन क्योंकि त्योहार आ रहा है परसों, दो त्योहार है भैया, 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है और हमारा रक्षाबंधन है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी भागदौड़ करेंगे। राखी अगर आप बहन हैं तो राखी खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, मिठाई खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य की तरफ आपका विशेष ध्यान कल होता हुआ दिखाई देगा। आप बेहतरीन रहन सहन की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। और आपको प्यार का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसे लोगों से आपकी ज़्यादा देर बनती नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी है आपके अंदर कि आप उन चीज़ों से हमेशा दरकिनार रहते हैं जो मतलब दिखावटी और शो ऑफ वाली होती है, क्योंकि आप दिल से प्यार करते हैं। कैरियर वित्त में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी सी उलझने तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं, वो हमेशा बनी रहेंगी, और उलझने नहीं होंगी तभी सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, तो उलझने होना भी ज़रूरी है जिंदगी में। कुल मिलाकर दिन अच्छा है आपके लिए। धनुराशि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो जिद है आपकी कुछ चीज़ों को हासिल करनी, वो किसी हद तक आपकी ठीक है, लेकिन उसको ओवर पॉजिटिव ना करें तो बेहतर रहेगा। जितना हो सके फ्लेक्सिबल बने रहें कल के दिन तो बेहतर आपके लिए रहेगा। देखिए, प्रेम की ज़िंदगी में थोड़े बहुत छोटे मोटे तनाव चलते रहते हैं, और जो ये छोटे छोटे से जो मुद्दे होते हैं इनको अचानक आपका पार्टनर कभी कभी उठा देता है, तो आपकी मेजोरिटी इस बात में है कि आप इन छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। और अकेले हैं तो रिलैक्स करें, और अगर आपका पार्टनर दूर रहता है तो फ़ोन पर एक बार बात कर लें और उनके साथ कुछ कोशिश करें कि वो उनका जो तनाव है ऑफिस का वो कम हो पाए। आपको अपने स्किल्स को अपडेट करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्किल्स आपके जो हैं वो शार्पन नहीं हैं आज के ज़माने में अगर आप नौकरी करते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि, तो देखो अच्छी खासी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, पहचान आपकी बन सकती है, मजबूत आधार आपका है, आपने काम किया है और उस काम की मेहनत आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। आपको किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। आप स्वास्थ्य में बदलाव लेकर भी प्रेरित हो रहे हैं, अपनी डाइट को चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ नया खाने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रेम की ज़िंदगी में काफ़ी तीव्रता है और कहीं ना कहीं आपका जो साथी है वो काफ़ी आक्रामक रूप से आपके से मिल रहा है। ये जो प्यार में पॉजिटिवनेस है आपकी, ये आपको आगे लेकर जाएगी। आज का दिन कार्य स्थल पर थोड़ा सा बोरियत होती हुई आपको दिखाई देगी, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ही आगे चलना है। दिन कुल मिलाकर पक्ष पर रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो यहाँ पर अनुभव जो है आपका वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। भूतकाल में जो आपने दिक्कतें हुई उनसे आप अभी से जानते हैं कि आगे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप एक तरीके से दूरदर्शी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए आप तैयार हैं। तनाव है, रहेगा थोड़े दिन तक, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके काबू में आ जाएंगी। देखिए, कुछ चरित्र के बारे में आपको कल पता चलेगा अपने पार्टनर के बारे में, और कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जो आपने कही ही नहीं है उनसे, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है, लेकिन फ़ोन पे ना दें, हो सके तो मिल कर दें। आज का दिन जोर से निवेश करना, धन प्राप्त करना, अपने आप पर खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तम रहेगा। और अपने रिलेशन को कोई गलत बातें अगर आपके बारे में किसी ने कही हैं तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए भी रहेगा। लास्ट राशि मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ योजना बनाकर अगर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आपको पहुंचा नहीं पाएंगे, और आप आसानी के साथ जीत हासिल कर पाएंगे।
आपको खुद को लेकर कुछ सख्त नियम बनाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और लाभ में एक चीज को चुनने की जरूरत है। आपको पूरा आराम मिले इसको भी सुनिश्चित करना होगा। तर्क, झगड़े, थोड़ा सा बचाव करिए इस चीज से। कोई मुद्दे को ज्यादा पुराने मुद्दों को उठाकर नई बात लेकर ना आइए। एक व्यक्ति अगर झगड़ा करना चाह रहा है तो शांत हो जाइए और कोशिश कीजिए कि वो अपनी भड़ास निकाल ले। एक बार जब वो भड़ास निकाल लेगा तब आप उसे फैक्ट करके उसको आप हरा सकते हैं। जब वो झगड़े की मूड में है तो वो आपकी सुनेगा नहीं, और जब वो सुनेगा नहीं तो फिर आपका झगड़ा बढ़ेगा। व्यावसायिक साझेदारी करने के लिए दिन ठीक नहीं कहूँगा, पहले एक बार थोड़ा विचार कर लें, उसके बाद ही किसी साझेदारी के निर्णय पर पहुंचे। दिन मिक्स बैग की फीलिंग वाला आपके लिए रहेगा। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं और आपको निश्चित फीस देनी होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे यही मेरी कामना है, और 4 महीने का राशिफल मैं आपको एक एक करके देता रहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलें।